हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जियो नेटवर्क प्रॉब्लम से परेशान हैं या जियो हाई पिंग से परेशान हैं या जियो नेट स्लो से परेशान हैं तो आप सही जगह पे आए हो। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे वो सही करते हैं। उसके लिए वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप करते हुए देखना है। तो चलो फिंगर स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग फोन का स्क्रीन पे आ गए और हम लोगों को जाना होगा फोन का सेटिंग पे। फोन का सेटिंग पे जाने के बाद मोबाइल नेटवर्क पे, उसके बाद गाइज हम लोगों को सिम चूज करना होगा कौन सा स्लॉट पे लगा हुआ है। और गाइज एक चीज ध्यान रखना, जो सिम से आप नेट चलाते हो ना उसको हमेशा सिम स्लॉट 1 पे लगा के रखना। और गाइज आपको डाटा रोमिंग को हर टाइम ऑन रखना है। जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वाईफाई कॉलिंग, गाइज ये बहुत ही कम का है, इसको आप लोग ऑन पे रखना। जब आपका कॉल आएगा और जाएगा ना तो मतलब HD वॉइस से आप बात कर सकते हो इससे, तो इसको हमेशा ऑन करके रखना। मेरा इधर ऑफ है, मैं इधर से ऑन कर देता हूँ। और उसके बाद गाइस जाना होगा आपको एक्सेस पॉइंट नेम वाला ऑप्शन पे। जाने के बाद गाइस ऊपर जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है उसमें एक क्लिक करो तो एक फॉर्म खुल के आएगा, तो फॉर्म आपको ध्यान से भरना होगा। और गाइस ऊपर जो नेम आता है उसमें लिखना होगा आपको Jio 4G। और गाइस यहाँ पे J कैपिटल लेटर पे होगा और बाकी सब स्मॉल लेटर पे, और 4G का G सिर्फ कैपिटल लेटर पे होगा। उसके बाद आपको APN पे लिखना होगा जियो नेट स्मॉल लेटर पे। उसके बाद आता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी पे आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट पे भी कुछ नहीं करना है। और यूज़र नेम पे आपको लिखना होगा speedbot Jio 4G। स्पीड का गाइस कैपिटल लेटर पे होगा S और जियो का स्मॉल लेटर पे J होगा, ठीक है। और 4G का G सिर्फ कैपिटल लेटर पे होगा गाइस। उसके बाद आपको पासवर्ड पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट करना है सर्वर पे। सर्वर पे आपको लिखना होगा गाइस www.jio.com। और गाइस ध्यान से देख के लिखना, सब कुछ स्मॉल लेटर पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद गाइस MMSC MMS प्रॉक्सी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है उस पर। MCC और MNC आपका एरिया कोड है उस पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जाना होगा ऑथेंटिकेशन टाइप पे, ठीक है। और गाइज आपको इधर PAP और CHAP कर देना है सिलेक्ट। ये करने के बाद गाइज आती है APN टाइप, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा डिफॉल्ट, सब कुछ स्मॉल लेटर पे लिखना है डिफॉल्ट। APN प्रोटोकॉल पे गाइज IPv4/IPv6 करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी IPv4/IPv6 करना है। करने के बाद आता है BRR। BRR से पहले गाइज अभी तक अपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो। और गाइज BRR पे आपको नॉट स्पेसिफाइड ही सिलेक्ट कर रखना है। वो करने के बाद गाइज सबसे लास्ट जो आता है MVNO, MVNO को आपको इधर नॉन करके रखना है। करने के बाद गाइज आपको फ़ोन को करना है एक बार रिस्टार्ट या 5 मिनट के लिए फ़ोन एरोप्लेन मोड करके रखना है। रखने के बाद गाइज उसको जब आप ऑन करोगे उसके बाद आपको इंटरनेट में स्पीड मिलेगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, टेक टॉक्स के साथ जुड़ते रहो। चलो मिलते हैं नया वीडियो लेके। जय हिंद।